ये देसी ऑपर्स इन एसोसिएशन विद ताज लैंड्स एंड मुंबई का कोलैबोरेशन है टू कम अप विद दिस आइडिया कॉल्ड बॉलीफिट. बेसिकली इट्स स्टाइल ऑफ फिटनेस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है बॉलीवुड एंड फिटनेस. सो इट्स लाइक बॉलीवुड डांसिंग के साथ साथ आप फिटनेस का जो है वो उससे आपको फिट रहने की तरकीबें हम बताएंगे. एंड दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. बॉलीफिट इज ऑल अबाउट. हाँ, इट्स जस्ट नॉट, सी डांस सिखाया जाएगा तो वो डांस क्लास टाइप का बन जाता है, वो नहीं है. बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस. बिकॉज आपका जो डांस हम जिस हिसाब से उसको कोरियोग्राफ करेंगे वो ऐसा रहेगा जो कि आपके फिटनेस पे बेस्ड रहेगा. इट्स नॉट गॉट टू डू विथ कि आपको हम डांस, हाँ डांस आता है कि नहीं. इट्स अबाउट फिटनेस. हम कैसे, बहुत लोग जनरली क्या होता है कि शाय होते हैं डांस करने के लिए, या फिर बहुत लोग सोचते हैं 10 बार कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा. इट्स नथिंग गॉट टू डू विथ जस्ट डांसिंग. और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत पसंद होता है डांस करना. सो इन उन लोगों के लिए कि भाई आइए डांस करिए और हम आपको बताएंगे एक तरीका डांस करने का जिससे आप फिट रह सकते हैं. थोड़ा हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, थोड़े थोड़े स्निपेट्स परफॉर्मेंस टाइप्स के देते रहेंगे. सो मैं वो गाने तो अब जब जब जो जो बजेंगे उसमें सी जुम्बा में बहुत ही आई थिंक You know, if you're dancing or if you're working out. So, and you will be, you know, working on your muscles as well, you'll be dancing as well. And you'll learn to dance and you'll learn to work out and you'll shred calories at the same time. So that's the difference, I would say, that is between Bollywood. Plus, you'll learn a lot of Bollywood songs, all the latest songs. Bollywood songs, all the latest songs. Yes, what you will see, so I mean, I want to keep this a surprise. ठीक, कौन कौन आने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है. सो वही कोशिश करें आप, अगर कोई जिस वॉन्ट टू लाइक रीड आउट द नेम तो अजीब लगेगा. इट इज दैट आई वी वुड वॉन्ट यू गाइज टू टेक अ लुक कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है एंड कौन कौन यू नो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड इवन दे आर एक्साइटेड अबाउट दिस. सो वो अलग वे में लिया जाएगा. आपके ग्रुप को, हमारे ग्रुप को यहाँ लेकर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे. बट बिफोर आई फॉरगेट, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग. वी जस्ट वांट टू मेक अ स्पेशल थैंक्स टू परवीन चंद्र कुमार ऑफ ताजलैंड जीएम, द एरिया डायरेक्टर इन जीएम, बिकॉज विदाउट हिम दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. सो जस्ट अ स्पेशल थैंक्स टू हिम. थैंक यू. एंड गाइस, ये नया स्टाइल है, इट्स नॉट जस्ट फॉर कमर्शियल थिंग कि हम लोग आ रहे हैं नया लेकर. नॉट इंस्टेड ऑफ ज़ुम्बा वी आर कीपिंग इट बॉलीफिट, एंड बॉलीफिट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग टू हैपन एट ताज लैंड्स एंड. सो दैट इज दैट मेजर डिफरेंस दैट आई थिंक इज गोइंग, दैट इज गोइंग टू बी लाइक बॉलीफिट इज गोइंग टू बी हैपनिंग हियर एट जीवा स्पा एट ताज लैंड्स. एंड ये जो है वो अलग स्टाइल ऑफ फिटनेस है एज आई सेड. सो एंड यू कैन जस्ट ट्राई आउट वन सेशंस. सो you know, feel free and come to Taj Lands and Jeeva Spa. Because it's going to be exclusive right here. You're right. So that's about it. So thank you so much. Hey, go, go, hey, go, hey, go, hey, go, but unko aapko I'm sure she loves to dance, but I love to dance and you love Bollywood as well. I love Bollywood. So yeah, that's the whole point ki Bollywood hai and hum log jaise wo yahan pe workout karte hain, hum bhi workout hi karwayenge aapse and you will have fun doing it on Bollywood numbers and that is what we'll be doing. So I think she will enjoy that kind of fitness as well. Abhi
ऐसे मुझे कुछ मालूम नहीं है. आपने सवाल पूछा, मैं सारे गाने भूल गई. कौन से गाने पे ट्रेनिंग देने वाले हैं? कुछ नहीं, जो जो आई थिंक शी लव्स बॉलीवुड एंड शी इज राइट नाउ ब्लैंक. शी इज मे बी एक्साइटेड फॉर और नर्वस फॉर ट्राइंग आउट थिंग्स. नहीं नहीं, आई एम रियली एक्साइटेड. सो आई एम वेरी हैप्पी. तो जुड़वा 2 और समथिंग? हां चलेगा. चलेगा जुड़वा 2. जुड़वा 2 टंटनाटन हो गया. टंटनाटन कानो के रीमेक्स में आई रियली वांट टू डांस, यू नो. सो आई थिंक आई एम जस्ट going to start learning. So by the time जब मेरा फिल्म में कोई गाना होगा और नाचना होगा तो मैं बेकार तो नहीं लगूंगी कम से कम. लोगों के साथ मेरी फर्स्ट टाइम रिहर्सल नहीं है एक्चुअली. स्पेन में हमारे इंस्ट्रक्टर यही थे. तो वो स्टंट्स अलग होते थे, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री थे. बट जो एक्चुअल डांस वर्कआउट होता था वो इट वॉज लेड बाय शांतनु महेश्वरी. सो स्टंट्स तो हम शायद ही करके आए हैं वहाँ पे, बट जो डांस किया है सो इसका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है. आई यूज टू लव एंड एन्जॉय. एंड बिसाइड्स दैट हम रात को पार्टीज करने जाते थे तो वहाँ पे जो पूरा क्लब होता था वो पंजाबी गानों पे एंड सिर्फ शांतनु की वीडियोस बन रही होती थी. बिकॉज द वे ही वुड डांस सब रुक जाते थे. भाई साहब मतलब अभी शांतनु महेश्वर इज डांसिंग एंड आई यूज टू बी डांसिंग अलॉन्ग विद हिम. सो इसने मेरे को 2 घंटे नचाया. सो इसका ये ही बिकॉज ही बींग द गाय ही इज, एक सेकेंड के लिए भी ही डिडंट गो आउट ऑफ ब्रेथ. बट आई टू मैच हिज लेवल आई हैड टू रियली. और उसके अगले 2 दिन तक शायद मैं उठ भी नहीं पाई. एस्टिमेट कर रही हो, वो खुद इतनी पागल एनर्जी में डांस करती है, वो खो जाती है म्यूजिक में. आई मीन बट ये फैक्ट है, स्पेन के जितने भी हम क्लब्स में डांस करते थे सब लोग शांतनु की वीडियोस बनाते थे. लिटरली एवरीबॉडी वुड स्टॉप. हां सब झूठ बोल रही हूं मैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता. अंग्रेजी गाने में बहुत डांस किया हम लोगों ने. और पंजाबी जैसा उसने कहा कि कुछ कुछ बन जाते थे. वो कौन सा होता है वो मुंडिया तू बच के रही हुणे हुणे हुणे. तो वो सारी आउटफिट तेरी मुटिया रहे और गुरु रंधावा के सॉन्ग. और आधे मतलब इसने जो स्पेन में अलग पंजाबी का अपना कलेक्शन और पिटारा खोला था उसने. मेरी वो नहीं थी बिकॉज वो सारे मनवीर. पर उस समय वही थी ना तेरी? हां वही था. वही मैं ना इवेंट्स के लिए जाती नहीं हूँ. मतलब मेरे को बुला बुला के थक जाते हैं, मैं उठती नहीं हूँ. बट आई स्पेशली आई न्यू मुझे इसके इवेंट के लिए आना बिकॉज आई न्यू मेरे को वो डांस करना होता था. और जो जो यू नो आई वांटेड दीज वीडियोस एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड इट्स माय ओन सेल्फिश मोटिव नॉट फॉर हिम. आई एम सॉरी बट इट्स ओके. थैंक यू फॉर गिविंग दैट इंपॉर्टेंस टू मी. बट या आई मीन आई न्यू दैट शी इज गोना कम बिकॉज शी लव्स डांसिंग. दैट्स द रीजन आई कॉल्ड हर. Because she, we had a conversation where she said like, I just love to dance and I just want to go to some places where I can just dance. So yeah. सारा डांस तो किया, मेरी सांस नहीं बची है. So I'll just recover a bit. और उसके बाद हमारा एक स्पेशल वीडियो है रोलेक्स करके. मैंने एक सॉन्ग के पीछे मैं पागल हूँ. So I don't know. हाँ उसने बोला जब मैं उसको इनवाइट किया तो उसका यही था कि इस पे करेंगे ना. बोला ठीक है. So I have that one video that I'll make and I'll put on Instagram. Serious note, I know they are going places. यार ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, right? He's an international dancer and I'm standing with somebody who's so big internationally, you know. No exaggeration or anything, but it's a good time and I think everybody, Tiger Shroff is supporting you and Amir Khan is supporting you. So it's time, यार मतलब rather than attending bogus birthday parties, it's better we do some nice good dance videos here. And I'm glad that Antonu thinks कि वो बहुत छोटा बच्चा है, वो किसी के साथ फिट नहीं हो पाएगा. एंड ही डजंट लुक लाइक अ मैच्योर गाय. इसके खुद के वर्ड्स हैं. तो मुझे नहीं लगता मैं इसके साथ कभी काम कर पाऊंगी बिकॉज वी आर द इंडियन जीसीज, यू नो, सूट साड़ी पहनने वाली लड़कियां. बट तुम द सूट साड़ी में अलग दिखते हो ना. 18 एंड आई एम सॉरी यू आर नॉट. I'm not. जितना ये प्रिटेंड करता है इतना छोटा है नहीं. ओके, वी आर द सेम एज. सो आई जस्ट लाइक टू ब्रेक द मिथ एंड ही कैन वेरी वेल बी अ फेस ऑफ जीसी. आई एम सॉरी. मैं एक मैं कब आई हर्ड योर इंटरव्यू राइट. बोल रही है मैंने कौन से इंटरव्यू में बोला मैं छोटा बच्चा हूं? आज तक वाले इंटरव्यू पे बोलता है कि मैं फिट नहीं होता, यू नो, मैं इतना बड़ा लगता नहीं हूं, शादीशुदा कोई हंसेंगे लोग. आई मीन इट वाज राइट. मैंने जब साड़ी पहनना शुरू किया था वाज बेरली 21. मुझे आती भी नहीं थी बट किया मैंने राइट. बट तुम्हारे कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे थे मेरे इतने. With Shantanu and his team, Desi your hoppers is the name and all the best. You go places and represent us internationally and that's why. मुझे बहुत अच्छी लगती है जगह एंड आई विल क्लिक मेनी मेनी पिक्चर्स हियर. थैंक यू सो मच.